हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं जोधपुर की पारंपरिक प्याज की कचौरी। इस वीडियो में देखें कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिससे हलवाई से भी ज़्यादा बढ़िया आपकी ये कचौरियाँ घर पे बन के तैयार हो जाएंगी, और वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में भी ये आलू प्याज की कचौरी। अगर आपने एक बार घर पर बना ली तो सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल, ये मोइन के लिए है। एक बार सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसका पानी धीरे धीरे ऐड करके आटा लगाना है। एक बात का ध्यान रखें, ये जो आटा लगेगा ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसको सख्त ना बनाएं। इसमें हमें स्टफिंग करनी है आलू प्याज के मसाले की। आटा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो फिर स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो देखिए मैंने ये आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट आटा है ये, मीडियम सा। अब इस पे थोड़े से बूंद तेल डाल के इस तरह फैलाएंगे और उसके बाद इसको फिर से हम मलेंगे। देखिए इस तरह से तेल थोड़ा थोड़ा करके डालने से इस आटे में परतें आ जाती हैं। मैंने फिर से ऑयल डाला है फैलाकर। ऐसे आप 2-3 बार करें, और ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस कुछ ड्रॉप्स ऑयल डालें। तो इस तरह फैला के थोड़ा थोड़ा तेल डाल के ये आटा अब देखिए मैंने तैयार कर लिया है। तो ये थी पहली टिप। आप देख सकते हैं इससे आटे में किस तरह से परतें सी आ रही हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। अब इस आटे को थोड़ी देर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम फटाफट से मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमें ग्रेट करना है। आलू मिलाने से बाइंडिंग भी बढ़िया हो जाती है मसाले की और स्वाद भी। तो ये तैयार है। अब यहाँ पे ली है मैंने 2 प्याज, 1 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इन सभी चीज़ों को हमें बारीक काट लेना है इस तरह से। अब हमें मसाला तैयार करना है, तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। अब इसमें लौंग और काली मिर्च डाल देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इस मसाले का। अब हम इसमें डालेंगे 1 साबुत लाल मिर्च, 1 से 2 आप डाल सकते हैं। हींग बहुत ज़रूरी है, हींग 1/4 चम्मच डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ पुदीना, सूखा हुआ पुदीने का पाउडर है ये, इससे बहुत खास फ्लेवर आता है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो हलवाई लोग डालते हैं, वो है बीकानेरी भुजिया। तो ये मैंने ले ली है आधी कटोरी। इसमें भी मिर्च मसाला नमक सभी कुछ होता है, इसीलिए नमक हमने उसी हिसाब से थोड़ा कम ऐड किया है। इसे ब्लेंड करके मैंने यहाँ पाउडर तैयार कर लिया है। अब देखिए कितना मज़ेदार सा ये मसाला बना है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इस मसाले में से। इसे अलग रखते हैं और अब तैयारी करेंगे हम मसाला भूनने की। यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन्हें फ्राई करेंगे, तो इस तरह धीमी आंच पे इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लें। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। अब यहाँ पे मैं ये तैयार किया हुआ मसाला मिला रही हूँ। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और अब सभी चीज़ों को हमें भूनना है। तो ये मसाला जब भुन जाता है ना प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ, तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। इस मसाले को मैंने बस 2-3 मिनट तक भुना है। अब इसमें हम प्याज मिला देंगे। प्याज के साथ भी हमें थोड़ा सा इसको भुनना है। प्याज डालने के बाद फिर लगातार चलाते हुए इसको करीब 4-5 मिनट तक भुनेंगे। प्याज हल्की सी बस सॉफ्ट होने लग जाती है, बस उसी स्टेज तक हमें इसे भुनना है। तो देखिए सभी चीज़ें बढ़िया सी ब्लेंड हो गई हैं। अब हम इसमें मिला देते हैं उबले हुए आलू जो हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं। तो कभी कभी आलू के पीसेस कुछ रह जाते हैं, उसके लिए हम इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश करेंगे। अभी मैं यहाँ स्पैचुला से थोड़ा इसको एक मिक्स दे रही हूँ। उसके बाद जैसे पाव भाजी मैशर होता है या फिर आपके पास कोई भी तरह का स्पैचुला है, उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। उसे ये मसाला एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जब हम इसे स्टफ़ करेंगे कचौरी में तो ये बढ़िया सा बराबर फैलेगा। चलिए बढ़िया मसाला तैयार हो गया है हमारा। अब इसमें डालेंगे एक और सीक्रेट चीज़, वो है भुनी हुई कसूरी मेथी। 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें मिला दें फ्रेंड्स, और फिर आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल का मसाला तैयार होगा। अब इस मसाले को निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे स्टफ़ करेंगे। आटा चेक कर लेते हैं, आटा बढ़िया सा तैयार है बिल्कुल। ये जो मसाला है ये ठंडा हो गया, अब इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए छोटे साइज़ के ही बनाने हैं। तो यहाँ मैंने सारी स्टफिंग तैयार कर ली है, फटाफट इसको भरते हैं। तो यहाँ मैं लोई ले रही हूँ और 1 चमचा लिया है मैंने, इसके अंदर इसको इस तरह से सेट कर देंगे फैला के। इससे आपको स्टफ़ करना आसान हो जाएगा। किनारे से थोड़ा सा बाहर रखें, इसकी थिकनेस इतनी रखें।
अब इसमें मसाला रख के अब हमें किनारों से फोल्ड करना है, तो धीरे से इसको निकालेंगे और हाथों से जैसे दिखाया जा रहा है इस तरह से हमें इसको सब तरफ से इसको सील कर देना है। तो देखिए अब ये अच्छे से सील हो गया है, आटा सॉफ्ट है इसलिए ये काम करना कितना आसान हो रहा है। अब हम इसको राउंड करके और उसके बाद हथेलियों में रख के इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेलन यूज़ नहीं कर रही हूँ कचौरी को बेलने के लिए, बस हाथों से इस तरह से फिर फैलाएंगे। इस तरह फैलाने से क्या होता है, जो किनारे होते हैं वो पतले होते जाते हैं, मसाला भी यूनिफॉर्म फैलता जाता है। तो देखिए ये ध्यान रखें कि मसाला सब तरफ बराबर आए, किनारे भी पतले हो गए हैं और ये कचौरी तैयार है। बीच में से देखिए कैसे फूल रही है। एक कढ़ाई में मैंने पहले से तेल गरम करने रख दिया था, ये अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें मैं दो कचौरियाँ अभी डाल के आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो इसको तुरंत नहीं चलाना है, हल्के हाथ से इस तरह छोड़ दें, अपने आप फूल के ऊपर आएगी। उसके बाद इसको घुमाएं, पलटते हुए दोनों तरफ से फ्राई करते जाना है। हल्के हाथ से ये काम करें। मीडियम हाई गैस की फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है, देखिए एकदम सुनहरे से हो गई हैं। थोड़ी देर ये बाद में भी सिकती रहती हैं, तो इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे और कचौरी का जो नेक्स्ट बैच तैयार है वो डाल देंगे फ्राई करने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली कचौरियाँ बन रही हैं। तो अगर आप ये सारे सीक्रेट टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपका मसाला भी परफेक्ट बनेगा और कचौरियाँ भी एकदम बढ़िया सी बिल्कुल हलवाई स्टाइल की आपकी बन के तैयार होंगी। देखिए कहीं से भी न मसाला बाहर आया है न कचौरियाँ फटी हैं। सही तरीके को फॉलो करें। आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे। अब यहाँ पे सर्व करते समय मैंने थोड़े से हरी मिर्च को एक कट लगा के और फ्राई कर लिया, उसी तेल में थोड़ा नमक डाल दिया और हो गई ये बिल्कुल बाजार जैसी कचौरियाँ तैयार। तो देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।